हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपके सामने मैकेनिकल इंजरी का टॉपिक लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको एब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, चॉप वुंड, ये सारे टॉपिक जो इसके अंदर आते हैं, तो इसको मैंने दो तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको एब्रेशन और कंट्यूजन पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा इमेजेस के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल इंजरी के ऊपर। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेंगे। ये स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो आपके अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इनसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं इंटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, तो उनके डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स रहते हैं, तो ऐसे में उनको घबराने की कोई बात नहीं है। वो अपने हिसाब से यहाँ पे अपना टाइम टेबल बना के हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है। इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्विजेस भी दे रखी हैं। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो आप वहां पे एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसलिए ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, LIVEDRAM, अगर आप मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसमें ये है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेरा कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर मैं इन सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूं, तो 1 month के लिए 4500 है मेरा कोड यूज करने के बाद। 3 months के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है मेरा कोड यूज करने के बाद 11250। 6 month का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 18,000 rupees। 12 months का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 22,500। जैसे आप देख सकते हैं, 24 months यानी कि 2 साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो है 27,000 rupees मेरा कोड LIVEDRAM लगाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैकेनिकल इंजरी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर मोटिवेशन लेके आई कि यस, आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर एब्रेशन, एब्रेशन का टॉपिक हम लेते हैं। एंड एब्रेशन इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, दैट इज एपिडर्मिस और म्यूकोसा मेम्ब्रेन, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। अगर मैं हिंदी में अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका नाम होता है खरोंच लगना। तो इसके फीचर्स क्या हैं, एब्रेशन के फीचर्स क्या हैं? प्योर एब्रेशन इन्वॉल्व ओनली एपिडर्मिस, यानी कि जो सुपरफिशियल जो लेयर है यानी कि एपिडर्मिस, वही उसी को ही इन्वॉल्व करती है। एब्रेशन डू नॉट ऑर्डिनरी ब्लीड बिकॉज वेसल्स आर लोकेटेड इन द डर्मिस। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डर्मा पेपिला, ड्यू टू कोरोगेटेड नेचर ऑफ डर्मा पेपिला, क्वाइट ऑफन डर्मिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दस एब्रेशन एग्जिबिट ब्लीडिंग। यानी कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग भी दिख जाती है। तो एब्रेशन डज नॉट लीव स्कार्स ऑन हीलिंग। इसकी खासियत ये है कि जो एब्रेशन होगा, जो खरोंच लगेगी, उसका कोई भी स्कार मार्क नहीं आएगा हीलिंग के बाद। तो यहां पे जो फ्लो चार्ट शोइंग मैकेनिज्म ऑफ एब्रेशन, तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि क्या क्या टाइप होते हैं एब्रेशन के। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक है टेंडेंशियल फोर्स के द्वारा अगर एब्रेशन अगर या खरोंच लगती है, तो दो टाइप के होते हैं, लीनियर और ग्रेज।
लेकिन अगर कंप्रेशन फोर्स अगर लगता है तो वो भी दो टाइप के होते हैं, पैटर्न इंप्रेशन एंड नॉन पैटर्न इंप्रेशन। पैटर्न इंप्रेशन भी दो टाइप के होते हैं, इंपैक्ट एब्रेशन एंड कॉन्टैक्ट एब्रेशन। ये मैं एक एक करके हर एक चीज आपको समझा दूंगा, आपको बस इतना समझना है कि एब्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा और कंप्रेशन फोर्स के द्वारा। कंप्रेशन के अंदर भी मेनली जो प्रेशर जो अप्लाई होता है उसके द्वारा जो एब्रेशन आता है वो उसके जो एग्जांपल है वो है इंपैक्ट और कॉन्टैक्ट। तो चलिए पहले मैकेनिज्म जान लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एब्रेशन। तो पहला क्या दिखाता है, फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली प्रोड्यूसिंग लीनियर और ग्रेज एब्रेशन। यानी कि अगर टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा, अगर मान लीजिए ये कोई ब्रिक है या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो टेंजेंशियली सरफेस के अगर वो आता है तो ये दो टाइप का एब्रेशन शो करेगा, लीनियर और ग्रेज। लीनियर और ग्रेज टाइप का एब्रेशन ये शो करेगा। लेकिन अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, अगर फोर्स परपेंडिकुलर आता है तो ये इम्प्रिंट एब्रेशन शो करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है प्रेशर। प्रेशर एब्रेशन भी जो है परपेंडिकुलर प्रेशर अप्लाई होने के बाद भी शो करता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ एक एक करके। चार टाइप है, जैसे मैंने आपको बताए थे लीनियर, मैंने आपको चार टाइप बताए थे, लीनियर, ग्रेज, प्रेशर और इम्प्रिंट। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं लीनियर एब्रेशन। एब्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था खरोंच, ये जो लाइन आ रही है ये खरोंच दिखा रहा है। यानी कि इसको जो दूसरा नाम है वो है स्क्रैच एब्रेशन। तो ये कैसे लगता है, कोई पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे दीज एब्रेशन आर कॉज्ड बाय स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ शार्प नैरो ऑब्जेक्ट सच एज पिन, थॉर्न, बार, प्रिकल, पॉइंटेड एंड ऑफ वेपन। यानी कि अगर कोई पॉइंटेड, अगर मान लीजिए कोई सुई है, अगर कोई सुई से ऐसे खरोंच मारता है तो इसको लीनियर एब्रेशन बोलते हैं। The feature of this abrasion is that it is wider at the starting point and shows heaping of epithelium accumulation at the end. यानी कि starting में जो होगा थोड़ा wider होगा, लेकिन जब end जहाँ पे आएगा वहाँ पे accumulation थोड़ा सा epithelium का हो जाता है। This heaping up यानी कि accumulation of epithelium indicates the direction of movement of causative weapon or object. यानी कि इससे हम direction पता कर सकते हैं। ग्रेज एब्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ग्रेज एब्रेशन को स्लाइडिंग एब्रेशन के नाम से भी जानते हैं हम। स्लाइडिंग एब्रेशन, ग्लाइडिंग एब्रेशन, ब्रश एब्रेशन या फिर स्क्रैप एब्रेशन, ये सारे नाम भी इसके हैं। तो ये ज्यादातर अगर आपको शॉर्ट में कहूं तो, अगर मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और बाइक अगर स्किड कर जाती है तो जो खरोंच जो लगती है इसी को ही ग्रेज एब्रेशन बोला जाता है। स्लाइडिंग या फिर ग्लाइडिंग, यानी कि जब बाइक स्किड करती है, स्लाइड करने लग जाती है तो उससे जो एब्रेशन बनता है ये उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। दीज एब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ ब्रॉड और वाइडर सरफेस अगेंस्ट स्किन। यानी कि जब बाइक स्किड करने लग जाती है, स्लाइड करने लगती है रोड पे, तो रोड जो है काफ़ी खुरदुरी होती है, उससे ये स्किन पे एब्रेशन आ जाता है। ग्रेज एब्रेशन आर वाइडर एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे गेट नैरो एट द एंड विद हीपिंग और एपिथीलियम एट द एंड। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊं तो ये यहाँ पे वाइड है और यहाँ पे फिर पॉइंटेड यहाँ पे हो गया है। द एब्रेशन शोज अन इवन लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल लाइंस विद एपिथीलियम हीप अप एट द एंड। द हीपिंग ऑफ एपिथीलियम गिव इंडिकेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ कॉजिटिव और सब ऑब्जेक्ट और सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में थोड़ा वाइड होता है और लास्ट में एक्यूमुलेट होने लग जाती है थोड़ी सी एपिथीलियम, तो इससे हम डायरेक्शन का भी पता कर सकते हैं। वेन द फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर ग्रेज एरिया अपीयर लाइक बर्न इंजुरी। बर्न इंजरी सच ग्रेज एब्रेशन आर कॉल्ड एज ब्रश बर्न। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है तो जो पैटर्न शो करेगा वो एक तरीके से बर्न इंजरी की तरह शो करता है, इसलिए हम इस ग्रेज एब्रेशन को उस केस में ब्रश बर्न के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ऐसे करके आप डायग्राम समझ सकते हैं। इसका जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, जनरली
जो होता है वो RTA यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, इसका काफी ज्यादा कॉमन एग्जांपल इसका ये है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेशर एब्रेजन में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रशिंग एब्रेजन, इसको क्रशिंग एब्रेजन के नाम से भी हम जानते हैं। सम ऑथर कंसिडर प्रेशर एब्रेजन एज ए टाइप ऑफ इम्प्रिंट एब्रेजन। दीज एब्रेजन आर कॉज बाई डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द स्किन अकम्पेन्ड बाई स्लाइट मूवमेंट रिजल्टिंग इन क्रशिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। द प्रेशर एब्रेजन ड्यू टू क्रशिंग ऑन गेटिंग ड्राइड अप रिजेंबल पार्चमेंट लाइक एंड अपियर ब्राउन टू ब्लैक। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, जब कोई फांसी लगाता है तो उस केस में जो लाइगेचर मार्क जो गले पे जो पैटर्न जो शो करेगा, उसकी वजह जो घर्षण जब वो गिरता है नीचे तो जो घर्षण जो शो करेगा लाइगेचर मार्क हैंगिंग में, तो वो एक प्रेशर एब्रेशन का एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल अगर लें, एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर एब्रेशन इंक्लूड लाइगेचर मार्क फाउंड इन लाइक हैंगिंग और लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। यानी कि अगर मैं हैंगिंग का एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं हैंगिंग का एग्जाम्पल लूँ तो अगर मान लीजिए ऐसे अगर फांसी फंदा आ रहा है तो जो गले पे जो जो प्रेशर शो करेगा वही प्रेशर एब्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रिंट एब्रेशन पे। इम्प्रिंट जैसे आप नाम देख सकते हैं कि प्रिंट कर देगा, यानी कि अगर मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है या कोई ट्रक है, तो उसके जो टायर्स हैं वो टायर्स जब स्किन के ऊपर से थोड़ा मूव करते हैं तो वो अपना एक इम्प्रिंट यानी कि अपना एक छाप छोड़ देते हैं, उसकी वजह से जो एब्रेशन आता है उसी को ही इम्प्रिंट एब्रेशन बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज पैटर्न एब्रेशन और इम्पैक्ट एब्रेशन और कॉन्टैक्ट एब्रेशन। दीज एब्रेशन आर प्रोड्यूस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द स्किन दैट इज एट राइट एंगल। दीज एब्रेशन आर कॉज ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट और इम्प्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ वेपन टू द स्किन एट द राइट एंगल। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ऑब्जेक्ट स्टैम द स्किन यानी कि छाप छोड़ देता है। स्किन गेट डिप्रेस्ड और कंप्रेस एज पर द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिप्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था मोटर टायर मार्क्स, यानी कि अगर गाड़ी का टायर हो या ट्रक का टायर हो ऐसे अगर आप बॉडी के ऊपर से निकल जाएगा तो वो एक छाप छोड़ तो ये चला जाएगा, उसी को ही इम्प्रिंट एब्रेशन का नाम दिया गया है। इसके एग्जाम्पल और ले लेते हैं रेडिएटर ग्रिल मार्क ओवर स्किन इन वेहिकुलर एक्सीडेंट कॉज और विप मार्क ऑन बीटिंग विद विप, यानी कि जब हंटर से जब मारते हैं तो वो भी अपना एक इम्प्रिंट जो है एक अपना पैटर्न जो है स्किन पे छोड़ देता है। तो यह है इसके एग्जाम्पल, यानी कि अगर मैं मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं तो मोटर टायर मार्क्स और विप मार्क ऑन बीटिंग विद विप यानी कि हंटर से मारना, ये तो एग्जाम्पल आप याद करिए, इससे आपका इम्प्रिंट एब्रेशन आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे हम बात करते हैं एंटी मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम एब्रेशन के बारे में। अगर मैं एंटी मॉर्टम एब्रेशन की बात करूं तो ये बॉडी पे कहीं पे भी लग सकता है। अगर मैं एक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं तो एक्सीडेंट के तौर अगर जब होता है तो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में उछल के गिरती है, या बाइक से अगर गिरते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाथों के बल ही गिरे, पैर के बल भी आप स्किड कर सकते हैं, तो एनी वेयर ऑन बॉडी। अगर मैं पोस्टमार्टम की बात करूं तो जनरली जो बोनी एरिया हैं सिर्फ वही शो मोस्ट कॉमनली प्रिजर्व शो करते हैं। अगर मैं कलर की बात करूं तो सिंस इंसान उस टाइम पे जिंदा होता है तो ब्राइट रेड कलर दिखेगा क्योंकि नीचे ब्लड कैपिलरीज बह रही होती हैं। अगर मैं पोस्टमार्टम की अगर मैं बात करूं तो सिंस इंसान मर चुका है, नीचे कोई ब्लड नहीं बह रहा है, तो पेल ड्राई एंड पार्चमेंट लाइक अपीयरेंस कलर आएगा। कवरिंग की अगर मैं बात करूँ कवर्ड विद स्कैप कंपोज्ड ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, लेकिन यहाँ पे स्कैब फॉर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक मरा हुआ इंसान के अंदर जो चोट लगती है उसके ऊपर जो पपड़ी है वो नहीं जमेगी। इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक जिंदा इंसान में ही इन्फ्लेमेशन देखा जा सकता है, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट, लेकिन अगर कोई इंसान मर गया है तो उसके केस में कोई भी इन्फ्लेमेशन देखा नहीं जाएगा। माइक्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ तो कंजेशन एंड वाइटल रिएक्शन प्रेजेंट, यानी कि जब चोट लगती है तो वहां पे कुछ ना कुछ
रिएक्शंस जरूर देखे जाएंगे, जैसे WBC आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अगर डेथ अगर हो गई है तो जब ब्लड फ्लो कर ही नहीं रहा है तो वहां पे कोई भी साइन देखा नहीं जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों। अगर मैं एज की अगर मैं बात करूं एब्रेशन की, कौन से टाइम पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, तो जो फ्रेश जो एब्रेशन होता है वो एकदम रेडिश कलर का होता है, उसके अंदर कोई भी पपड़ी नहीं जमती है। 12 से 24 घंटे के बीच में क्या होता है, डार्क रेड कलर का स्कैब बनता है। 1 से 2 दिन में रेडिश ब्राउन कलर का स्कैब बनता है। 3 से 5 दिन में डार्क ब्राउन कलर का स्कैब बनता है। 5 से 7 दिन में ब्लैकिश स्कैब श्रिंक एंड फॉलिंग बिगेन फ्रॉम मार्जिन, यानी कि 5 से 7 दिन में हीलिंग की प्रोसेस से जो स्कैब बना है वो धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाता है, और 7 से 10 दिन में पूरा ही जो स्कैब है, पूरी पपड़ी जो है पूरी निकल जाती है, और स्कैब फॉल ऑफ लीविंग हाइपोपिगमेंटेड एरिया। तो चलिए थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू, इमेजेस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। फ्रेश एब्रेशन जो है रेडिश कलर का देखा जाता है। दूसरा जो है, जो डार्क रेड कलर का जो स्कैब है, जैसे मैंने आपको बताया था 12 से 24 घंटे में डार्क रेड कलर का स्कैब देखा जाता है। 1 से 2 दिन में रेडिश ब्राउन कलर का स्कैब देखा जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। फिर 3 से 5 दिन में डार्क ब्राउन कलर का स्कैब देखा जाता है, और फिर 5 से 7 दिन में जो है मार्जिन से ये स्कैब जो है ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये एरिया स्पेशली। तो एब्रेशन विद फॉलिंग ऑफ स्किन फ्रॉम द पेरिफेरी, और फिर 7 से 10 दिन में पूरी ही पपड़ी निकल जाती है और एक हाइपो पिगमेंटेड एरिया छोड़ देता है। तो अगर मैं एब्रेशन की मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वो है साइट ऑफ इंपैक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूज टू इन्फ्लिक्ट एब्रेशन कैन बी नोन, यानी कि हम डायरेक्शन वगैरह और साइट वगैरह हम इससे पता कर सकते हैं। टाइप ऑफ वेपन या फिर ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई, यानी कि अगर मान लीजिए पिन का अगर यूज किया गया है, या पिन है या थॉर्न है, तो हमें पता है कि ये चीज लीनियर एब्रेशन का एग्जाम्पल है, तो इससे हम वेपन का भी पता कर सकते हैं। टाइम ऑफ असॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एज ऑफ एब्रेशन, जैसे मैंने आपको पिछला एक टेबल दिखाया था मैंने कि 12 से 24 घंटे में क्या कलर दिखाई देता है, 1 से 2 दिन में क्या कलर दिखाई देता है, 3 से 5 दिन में क्या कलर दिखाई देता है, तो ऐसे हम एज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एब्रेशन आर यूजली सिंपल इंजुरीज, हाउएवर एब्रेशन ओवर कॉर्निया में प्रोड्यूस कॉर्नियल ओपेसिटी एंड रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ अ पर्सन विजन ऑफ अ पर्सन, सच हर्ट बिकम ग्रीवियस हर्ट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई पिन से अगर कोई सुपरफिशियली अगर खरोंच लगाता है तो ये सिंपल हर्ट के अंदर आता है, लेकिन अगर वही पिन अगर आंखों में चुभती है तो वो ग्रीवियस हर्ट का एग्जाम्पल बन जाएगा। कैन गिव आइडिया अबाउट सम टाइप ऑफ ऑफेंस कमिटेड, फॉर एग्जाम्पल एब्रेशन नियर प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल में बी सजेस्टिव ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अटेम्प्ट और कमिटेड, सिमिलरली एब्रेशन एट नेक में बी इंडिकेटिव ऑफ थ्रॉटलिंग, एब्रेशन अराउंड माउथ एंड नोज में बी सजेस्टिव ऑफ स्मॉदरिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको थ्रॉटलिंग और स्मॉदरिंग वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि इन सब से हम जो है ये पता कर सकते हैं कि पर्सन के साथ उस टाइम पे क्या क्या हुआ होगा, यानी कि अगर किसी ने मुंह दबाया होगा ऐसे, तो यहाँ पे मुंह के पास काफी ज्यादा एब्रेशन टाइप का नाखून है, तो ये सारी चीज का एब्रेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एब्रेशन में बी ओनली इंजुरीज प्रेजेंट ओवर सरफेस ऑफ द डीप सीटेड और इंटरनल इंजुरी, यानी कि ज्यादातर सुपरफिशियल इंजुरी होती है। प्रेजेंट ऑफ फॉरन मटीरियल अलॉन्ग विद एब्रेशन सच एज सैंड पार्टिकल मड डर्ट ग्रीस एक्सेट्रा मे कनेक्ट द इंजुरी विद सम सीन ऑफ क्राइम, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई बाइक एक्सीडेंट से अगर उसको खरोंच लगती है, तो रोड की जो मिट्टी वगैरह है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी रोड के में खरोंच लगने की वजह से ये उसको ही चोट लगी होगी।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन को हम ब्रूज के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अ कंट्यूजन इज एन एक्स्ट्रावेसेशन और कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल कॉज बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स ऑफ ब्लंट नेचर विदाउट लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। मैं इसको एक आगे एक डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, यानी कि ये जो नील पड़ गई है इसी को ही ब्रूज बोला जाता है। इसके अंदर कोई भी स्किन कटी नहीं है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई है। तो अ कंट्यूजन इज अ इज एन एक्स्ट्रा वेसेशन और कलेक्शन ऑफ ब्लड ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल कॉज बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स ऑफ ब्लंट नेचर विदाउट लूज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। यानी कि अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट सीधा स्किन पे अगर फोर्सफुली अगर लगता है तो नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहने लगेंगी, उनमें ब्लड निकलने लगेगा, उसी की वजह से यही ब्लूइश कलर दिखाई देता है, उसी को ही हम ब्लूश या फिर कंट्यूजन हम बोलते हैं। तो इट इज एन इंजुरी ऑफ डर्मिस, मैं यहां लिख देता हूं, मैं इट इज एन इंजुरी ऑफ डर्मिस बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिर वेपन। तो मैकेनिज्म क्या है? कंट्यूजन इज कॉज बाय ब्लंट फोर्स इंपैक्ट कॉजिंग क्रशिंग और टेयरिंग ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू और डर्मिस विदाउट ब्रेकिंग द ओवरलाइंग स्किन और म्यूक्यूसा मेम्ब्रेन। ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल देर इज एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड आउट ऑफ वेसल्स एंड कलेक्टेड अंडरनीथ द टिश्यू। कलेक्शन ऑफ ब्लड इज अकम्प्लेन्ड बाई स्वेलिंग एंड पेन। अ प्योर ब्रूज लाइज बीनीथ द इंटैक्ट एपिडर्मिस। यानी कि ब्लड बाहर नहीं आता, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, जो ब्लड होगा यहीं पे ही इकट्ठा रहेगा। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं। तो विजिबिलिटी ऑन स्किन, विजिबिलिटी ऑफ स्किन, अगर थिन कहां पे देखी जाएगी, अगर कोई अगर बोनी प्रोमिनेंस है, थिन बोनी प्रोमिनेंस वाले एरिया में इजिली विजिबल होगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई थिक कोई स्किन है, जैसे एब्डोमिनल स्किन है, पाम है, सोल है, तो वहां पे इजिली विजिबल नहीं होगा। तो थिक एब्डोमिनल स्किन या फिर पाम या फिर सोल में नॉट विजिबल इजिली। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम, एज कैसे पता करेंगे हम। जो फ्रेश जो इसकी जो एज होगी वो होगी रेड, उसके लिए कलर देखा जाएगा रेड, और वो उसका जो कॉज है वो है फ्रेश एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड। यानी कि जब फ्रेश जब चोट लगती है तो उसका जो कलर होगा वो रेड होगा, उसके अंदर जो अंडरलाइन जो ब्लड वेसल होगी उससे ब्लड निकलने लग जाएगा, उसी को ही एक्स्ट्रावेजेशन बोला जाता है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड। एक से तीन दिन में क्या होगा, थोड़ा सा ब्लूइश कलर आ जाएगा, ये होता है डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। चौथे दिन क्या होगा, थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक टू ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउन कलर देखा जाता है, क्योंकि हीमोसिड्रिन पिगमेंट की वजह से। पाँच से छः दिन में थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ जाता है, क्योंकि हीमेटोडिन पिगमेंट की वजह से। सात से बारह दिन में येलो कलर आने लगता है, बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से। और दो दिन में क्या होगा, ओरिजिनल कलर आ जाता है, कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ कंट्यूजन, यानी कि ओरिजिनल कलर आ जाएगा। इसको याद करने का दोस्तों जो बहुत ही आसान तरीका है वो है आपका विप क्योर। अगर मैं वी आई से मैं बात करूं तो इससे आप ब्लू समझ सकते हैं, बी से आप ब्राउन समझ सकते हैं, ग्रीन से आप ग्रीन समझ सकते हैं, वाई से आप येल्लो समझ सकते हैं, और ओ आर से है ओरिजिनल।
तो देखा दोस्तों, इस निमोनिक से आप एज ऑफ कंट्यूजन आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो निमोनिक है विबग्योर। तो जो सबसे पहला जो कलर होता है वो होता है रेड, तो रेड विबग्योर। तो यहां हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं जो फ्रेश जो कंट्यूजन होता है, फ्रेश जो कंट्यूजन है फ्रेश एक्स्ट्रावेजन ब्लड देन टर्न्स डीऑक्सीजनेटेड, ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, फिर आता है हीमोसिड्रिन, फिर आता है हीमोटोइडिन, फिर आता है बिलिरुबिन, इन सब की वजह से ये कलर देखा जाता है और लास्ट में फिर पूरा हील हो जाता है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप अपने नोट्स में आप लिख लीजिए। नोट्स में लिखने के नोट्स जब आप लिखेंगे तो उसके साथ ये निमोनिक भी आप लिख लीजिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेश कंट्यूजन जो होता है वो एकदम रेड कलर का होता है, फिर ब्लूइश जो कंट्यूजन जो हमने देखा था ये जो है डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से देखा था हमने, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से हमने देखा था ब्लूइश कंट्यूजन। फिर उसका जो ब्राउन कंट्यूजन जो हमने देखा था वो हमने देखा था हीमोसिड्रिन की वजह से, फिर जो ग्रीन कलर जो हमने देखा था वो हमने देखा था हीमोटोइडिन की वजह से, और उसके बाद फिर येलो और फिर ओरिजिनल कलर आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं एंटीमॉर्टम और पोस्टमार्टम कंट्यूजन के बारे में। जैसे हमने एब्रेजन के अंदर भी देखा था एंटीमॉर्टम एब्रेजन और पोस्टमार्टम एब्रेजन, ऐसे यहां पे भी हम देखेंगे एंटीमॉर्टम कंट्यूजन और पोस्टमार्टम कंट्यूजन के बारे में। तो जब इंसान जिंदा होगा तभी स्वेलिंग आ सकती है, जब इंसान मर जाता है तो उसमें स्वेलिंग नहीं देखी जाएगी। जब ब्लड बह रहा होता है इंसान जब जिंदा होता है तभी ब्लड बहता है, तभी एक्स्ट्रावेजेशन और ब्लड देखा जा सकता है, लेकिन जब इंसान मर गया तो उसके अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए वहां पे एब्सेंट रहेगा। इन्फ्लेमेशन भी तभी देखा जाएगा जब इंसान जिंदा होता है, मरे इंसान में इन्फ्लेमेशन देखा नहीं जाता है। जो हैमरेज होगा वो यहां पे अच्छा खासा होगा यहां, लेकिन यहां पे इनसिग्निफिकेंट होगा। दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट जो ये टेबल है ये काफी बार पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल ब्रूज हम किस किस चीज से पैदा कर सकते हैं। तो एक है मार्किंग नट, फिर है कैराट्रोपिस, फिर है प्लेम्बेगो रोजिया, फिर है प्लेम्बेगो ज़ाइलेनिका। इसके लिए मैं एक आपको एक इसके अंदर होता है मदार जिसको हम कैराट्रोपिस के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको एक निमोनी देता हूं, निमोनी के PSM यानी प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जो आप लोग कम्युनिटी मेडिसिन के नाम से आप जानते हैं। तो ये आपका निमोनिक हो गया, पी से हो गया प्लम्बिगो, एस से हो गया सेमी मार्किंग नेट का दूसरा नाम होता है सेमी कार्पस अनाकार्डियम, एम से मैंने आपको बताया था मदार। तो दोस्तों ये एक और निमोनिक मैंने दिया है, इस निमोनिक के थ्रू आप आर्टिफिशियल ब्रूज के बारे में आप समझ सकते हैं। मार्किंग नट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है भिलावनोल, कैलाट्रोपिस यहां पे लिखा था मैंने बेकार में, यहां पे लिखा कैलाट्रोपिस यहां पे लिखा हुआ है मदार, ये होता है मदार। इसके लिए जो आपको खास ध्यान रखना ये रहेगा जो आर्टिफिशियल ब्रूज जो होता है उसके जो मार्जिन्स होंगे वो इरेगुलर वो रेगुलर होंगे, मार्जिन्स रेगुलर, ये यहां पे इसको रब कर देता हूं मैं, मार्जिन जो होंगे वो रेगुलर होंगे, ब्राउन कलर होगा और यहां पे कोई भी इंफ्लेमेशन नहीं देखा जाएगा।
तो ये तीन पॉइंट हमारे आर्टिफिशियल ब्रूज और जो नेचुरल ब्रूज है उससे ये डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल ब्रूज और कंट्यूजन। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्जिन्स यहाँ पे वेल डिफाइंड होंगे लेकिन यहाँ पे इल डिफाइंड होंगे। दूसरा जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ब्राउन कलर देखा जाता है, चलिए ब्राउन कलर देखा जाता है लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस देखी जाती है। तीसरा मैंने बताया था इन्फ्लामेशन, कि आर्टिफिशियल ब्रूज के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन देखा नहीं जाता है लेकिन कंट्यूजन के अंदर इन्फ्लामेशन देखा जा सकता है। थोड़े से और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। कॉज बता देता हूँ, ब्लंट मैकेनिकल फोर्स जो है इसके द्वारा कंट्यूजन देखा जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो ब्रूज होगा एप्लीकेशन ऑफ इरिटेंट सब्जेक्ट सब्सटेंस या फिर जूस, इसका जो मैंने न्यूमोनिया बताया था वो बताया था मैंने पीएसएम। सिचुएशन मतलब बॉडी में कहीं पे ब्रूज लग सकता है लेकिन आर्टिफिशियल ब्रूज वहीं पे लगेगा जहां पे हमारा हाथ पहुंच पाएगा। कलर जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल ब्रूज के अंदर ब्राउन कलर देखा जाता है लेकिन इसके अंदर डिफरेंट कलर देखे जाते हैं। मार्जिन्स यहाँ पे डिफ्यूज एंड इल डिफाइंड मार्जिन्स यहाँ पे देखे जाते हैं लेकिन आर्टिफिशियल ब्रूज में एकदम वेल डिफाइंड मार्जिन्स यहाँ पे देखे जाते हैं। शेप जो होगा, मे टेक शेप ऑफ ऑफेंडिंग वेपन्स, यानी कि किसी वेपन जो होगा उसी का शेप यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पे इरेगुलर शेप होता है। कंटेंट जो होगा, यहाँ पे ब्लड होगा और यहाँ पे होगा सीरम। इचिंग यहाँ पे एब्सेंट होगी लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि हम एक इरिटेटिंग सब्सटेंस हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वेसिकेशन यहाँ पे एब्सेंट होगा लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन जो केमिकल एनालिसिस में ब्रूज में कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस लगाया गया है वो यहाँ पे सब्सटेंस पॉजिटिव पाया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं कंट्यूजन और पोस्टमार्टम लिविडिटी। पोस्टमार्टम लिविडिटी को हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए दोनों के बीच में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको पोस्टमार्टम स्टेनिंग मैंने आपको समझाया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डिपेंडेंट पार्ट पे ब्लड आ जाता है और उसकी वजह से वेनो कैपिलरी डिस्टेंशन होने की वजह से वहां पे थोड़ा सा ब्लूइश पर्पल कलर देखा जाता है। आप पोस्टमार्टम लिविडिटी पोस्टमार्टम स्टेनिंग को आप मेरी पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोनों के बीच का फर्क मैं आप पे बता देता हूँ। कंट्यूजन क्या है? कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ वेसल विद एक्सट्रावेसेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स लगने की वजह से ब्लड जो है एक्सट्रावेसेट करने लग जाता है लेकिन यहाँ पे क्या है, रुके हुए ब्लड में जब वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रुकता है ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आता है, तो जो डिपेंडेंट पार्ट होगा वहीं पे ही पोस्टमार्टम लिविडिटी या फिर स्टेनिंग देखा जाता है। मैंने जो आपके सामने जो डायग्राम बनाया था वो मैंने ऐसा बनाया था। तो जो डिपेंडेंट पार्ट है, मान लीजिए टेबल के ऊपर रखा गया है, मान लीजिए टेबल है, तो जो स्टेनिंग देखी जाएगी वो इस एरिया में देखी जाएगी। तो इन दो एरिया में पोस्टमार्टम लिविडिटी देखी जाएगी। जो साइट है वो है एनी साइट लेकिन ओनली ऑन डिपेंडेंट पार्ट। सरफेस क्या था? एलिवेटेड ड्यू टू स्वेलिंग, लेकिन यहां पे कोई भी एलिवेशन देखा नहीं जाता है। स्वेलिंग यहां पे प्रेजेंट होगी, यहां पे स्वेलिंग एब्सेंट होगी। कलर जो चेंजेस आएगा यहां पे, जैसे मैंने आपको जो टेबल बताई थी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर देखा जाता था, जिसका मैंने एग्जाम आपको निमोनी दिया था विबग्योर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर्पलिश ब्लू कलर देखा जाता है। एज यहाँ पे इल डिफाइंड एज होगा लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन्स होंगे, जो एज होंगे वो एकदम वेल डिफाइंड जो मार्जिन्स होंगे वो देखे जाएंगे। जो इंसीजन होगा, इंसीजन देने पे शोज एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड इन द सराउंडिंग टिश्यू एंड कांट बी वॉश्ड ऑफ, लेकिन इस केस में क्या होगा, शोज ब्लड इन वेसल्स विद ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेसल्स एंड कैन बी वॉश्ड ऑफ। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम वॉश करेंगे तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो अच्छे से वॉश हो जाएगा लेकिन यहाँ पे अच्छे से वॉश ऑफ अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा। माइक्रोस्कोपी में इन्फ्लेमेशन के साइंस देखेंगे लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन का साइन नहीं दिखाई देगा।
कंट्यूजन और कंजेशन के बीच में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता देता हूं मैं। तो कंट्यूजन जो है ब्लंट मैकेनिकल फोर्स के द्वारा देखा जाता है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल कॉज के द्वारा देखा जाता है कंजेशन। कलर जैसे मैंने आपको बताया था वेरिएबल कलर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कलर चेंज देखा नहीं जाता है। मार्जिन जो होते हैं वेल एंड एल डिफाइंड मार्जिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड मार्जिन देखे जाते हैं। टेस्ट सेक्शन करने पे ब्लड एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ ब्लड, लेकिन यहाँ पे इंगोस्ट वेसल्स विथ ब्लड यहाँ पे देखा जाता है। जो ब्रूज है इसका मेडिकोलीगल इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। ऑफेंडिंग वेपन कैन बी नोन, इससे हम पता कर सकते हैं कि किस वेपन से ये चीज लगा होगा। एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैनर ऑफ इंजरी कैन बी नोन। एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ वायलेशन कैन बी एस्टिमेटेड, यानी कि कितने जोर से किस रफ्तार से या कितने वॉयलेंस तरीके से चोट पहुंचाई गई हम वो पता कर सकते हैं। अब्रूज इज यूजली सिंपल इंजरी बट इफ प्रेजेंट ऑन वाइटल पार्ट्स और ऑर्गन में अमाउंट टू ग्रीवियस हर्ट और में कॉज डेथ। यानी कि अगर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए लीवर वाले एरिया में या हार्ट वाले एरिया में अगर कोई करता है तो इससे काफ़ी ग्रीवियस हर्ट भी पैदा हो सकता है। इंजेक्शन ऑफ एम्बाल्मिंग फ्लूइड ऑफन एनहांस द अपीयरेंस ऑफ कंट्यूजन ऑन द बॉडी सरफेस। एम्बाल्मिंग फ्लूइड होता है जब बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हम डालते हैं उसके अंदर फ्लूइड। इसके अंदर मेन जो फ्लूइड होता है वो होता है फॉर्मलिन, दूसरा होता है मिथेनॉल और तीसरा होता है फिनॉल। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट एम्बाल्मिंग फ्लूइड में से एक है। मैं इसके अंदर एक दो चीजें और बता देता हूं मैं। माइग्रेटरी ब्रूज करके एक होता है, माइग्रेटरी ब्रूज होता है इंपैक्ट कहीं पे पड़ा है लेकिन जो साइंस जो देखे जाएंगे वो कहीं और आएगा, यानी कि जो नील जो मैंने आपको बताया था वो साइन कहीं और आएगा। तो इसका जो पहला एग्जांपल वो है रैकून आई या फिर ब्लैक आई। इसका जो एग्जांपल है वो है कि एंटीरियर क्रैनियल अगर फ्रैक्चर होता है, एंटीरियर क्रैनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर देखा जाता है, एंटीरियर क्रैनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर देखा जाता है तो जो ब्रूज देखा जाएगा वो यहां पे देखा जाएगा, आइस पेरी ऑर्बिटल में देखा जाएगा। तो जो ब्रूज आएगा वो पेरी ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही इसका जो दूसरा एग्जांपल है वो है बैटल साइन। बैटल साइन का क्या है, अगर मिड क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हुआ है, अगर मिड क्रेनियल फोसा का अगर फ्रैक्चर हुआ है तो मैस्ट्रॉइड प्रोसेस जो है मैस्ट्रॉइड टिप जो है इस साइड में देखा जाएगा यहां कान के पीछे, एट मैस्ट्रॉइड टिप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दो माइग्रेटरी ब्रूज इसके अंदर हैं। इसके अंदर एक स्टॉम्पिंग करके एक वर्ड है, मैं यहां लिख देता हूं। स्टॉम्पिंग क्या होता है, जब जंपिंग और किकिंग एक साथ की आती है, अगर जंप एंड किक एक साथ होता है तो ये जो है स्टॉम्पिंग कहलाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं। एंड करने से पहले वेक अप विद डिटर्मिनेशन गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप डिटरमाइन रहिए कि आज मेरे को 8 से 10 घंटा पढ़ना है, इस 8 से 10 घंटे को मैं ये चैप्टर में कवर करूंगा, मैं ऐसे ऐसे कवर करूंगा, स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा मैं उसमें थ्योरी कवर करूंगा, आखिरी का जो टाइम होगा मैं उसके अंदर एमसीक्यूज पक्का सॉल्व करूंगा। अगर आप ये सारी डिटर्मिनेशन के साथ उठते हैं और पूरा दिन भर आप उसी डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप काम भी करते हैं तो रात में आप सेटिस्फेक्शन के साथ एकदम बेड पे सोने के लिए आइए। इसका मतलब यही है वेक अप विद डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ उठिए और बेड पे जाते
समय सेटिस्फेक्शन के साथ सोइए कि हाँ आज का टाइम आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, मैं अच्छे से 8 से 10 घंटा पढ़ा, मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए, मैंने एक मैंने जो है काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिविजन किया। तो ये सेटिस्फेक्शन के साथ अगर आप सोते हैं तो आपको एक पीसफुल नींद भी आएगी। तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अनअकैडमी का जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो हमारी जो नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा, इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। हमारी वीडियोस को आप लाइक करिए, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें और ज़्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है LIVEDRAM, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे 24 मंथ्स का अगर मैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन चार्ज है 30,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM तो आपको सिर्फ 27,000 रुपीज़ देना रहेगा, यानी तुरंत 10% का डिस्काउंट। ऐसे ही अगर मैं 12 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो ये आपको पड़ेगा 22,500 का, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो। तो दोस्तों एक बारी सब्सक्रिप्शन लेके जरूर देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू भाई साहब।